तो शी हल्क और मिस मार्वल ने मार्वल फैंस को बहुत ही ज्यादा निराश किया है। पर इस साल के आखिर में मार्वल के हॉलीडे स्पेशल शो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मार्वल फैंस को काफी पसंद आई है। और इसके अलावा अब हमें 2022 में मार्वल की तरफ से कोई और शो देखने को नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की तरफ से 2023 में हमें कितने शो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इफ का सीजन 2 जो कि अर्ली 2023 में रिलीज होगा। व्हाट इफ का सीजन 1 भी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया था। सीजन 1 काफी इंटरेस्टिंग था। अल्टरनेट रियलिटी में अलग अलग पॉसिबिलिटीज को देखना और अपने हीरोज को अलग तरीके से देखना इस शो को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया था। इसके बाद हमें मार्वल की तरफ से देखने को मिलेगा सीक्रेट इन्वेजन। यह भी अर्ली 2023 में ही रिलीज होगा जो कि एक 6 एपिसोड का मिनी सीरीज है। इस सीरीज में हमें निक फ्यूरी, मारिया हिल्स और रोडी देखने को मिलेंगे जो कि स्क्रल के इलीगल इन्वेजन से डील करेंगे। इसके अलावा इस सीरीज में हमें गेम ऑफ थ्रोन्स की एमेलिया क्लार्क भी देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा एको जो कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की एक डेप्थ सुपर हीरो है और इसे हमने पहली बार हॉकाई सीरीज में देखा था। एको एक फीमेल कैरेक्टर है और यह पहली मार्वल की ऐसी कैरेक्टर है जो कि नेटिव अमेरिकन है और इस पे स्टैंड अलोन एक सीरीज बन रही है। हालांकि इसकी रिलीजिंग डेट अभी रिवील नहीं की गई है पर इसे हम समर 2023 तक देख सकते हैं। और इसके बाद आएगा लोकी का सीजन 2 जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लोकी के सीजन 1 को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था और लोकी सीजन 1 की एंडिंग ऐसी जगह कर दी गई है जिसके वजह से सीजन 2 का इंतजार बड़ी बेसब्री से फैंस कर रहे हैं। सिल्वी ही हू रिमेन को मार देती है जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा टाइम ब्रांच निकलने लगते हैं। तो अब इन सब चीजों से हमारा लोकी कैसे डील करेगा यही सीजन 2 में दिखाया जाएगा और यह सीरीज भी हमें समर 2023 तक देखने को मिल जाएगी। आयरन हार्ट का असली नाम रीरी विलियम है जिसने वकांडा फॉरएवर में अपना डेब्यू किया है। यह कैरेक्टर एक टीनेजर है जिसने आयरन मैन की तरह ही एक सूट बिल्डअप किया है और आयरन हार्ट सीरीज में हम इसी लड़की का आगे का एडवेंचर देखेंगे। तो आप 2023 में मार्वल की किस सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।